इस सीजन फुलेरा में होगी मारधाड़ और प्रधान जी भी फंस जाएंगे एक अलग ही मुसीबत में। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज का नाम है पंचायत सीजन 3। ये सीजन अभी हाल ही में Amazon Prime OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है। सीरीज में पहले दो सीजन्स वाले सभी कलाकार तो मौजूद हैं ही, साथ ही एक दो नए कलाकारों की भी एंट्री हुई है। तो कैसा रहा इस बार का सीजन, इस पर आज के वीडियो में चर्चा रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग हमारे वीडियोस को देखकर अपना प्यार देते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। विद दैट रोल लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इस बार भी पंचायत सीजन 3 कहानी फुलेरा गांव की ही है। सीजन की शुरुआत में हमें नया सचिव दिखाया जाता है, एक और जहां प्रधान जी, विकास और प्रहलाद चा अपने अपने तरीके से उस सचिव की ज्वाइनिंग को रोकना चाहते हैं, वहीं भूषण और विनोद इस कोशिश में लगे हैं कि नया सचिव किसी तरह ज्वाइन कर ले। इन सब की जंग के बीच पुराने सचिव यानी अभिषेक जी का ट्रांसफ़र रुक जाता है और वो वापस फुलेरा गांव आ जाते हैं। अब सचिव जी का ट्रांसफ़र रुक गया है या कहें कि रुकवा दिया गया है। फुलेरा पूर्व और पश्चिम को ग्राम आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों पर विवाद शुरू हो जाता है। विधायक और गाँव वालों के बीच फिर से टकराव होता है और सचिव जी और रिंकी की लव स्टोरी भी आगे बढ़ती है। प्रहलाद जिंदगी में आगे बढ़ता है और इनकी कहानी के साथ साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम जिंदगी में कितना आगे बढ़ चुके हैं और कितना भाग चुके हैं। अब हमें थोड़ा थमना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, गांव की ये कहानी महसूस करनी चाहिए। पंचायत सीजन 3 सीरीज़ को देखने के बाद आपका मन भी गाँव जाने को ज़रूर करेगा, या फिर अगर आपका कोई गाँव नहीं है तो किसी यार दोस्त के गाँव जाने का मन तो ज़रूर करेगा। पहले दो सीज़न की तरह ही ये सीरीज़ आपको खुद से जोड़ लेती है, आप काफ़ी कुछ महसूस भी करते हैं। मुफ्त का मकान लेने के लिए एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ से लड़कर उसे घर से निकाल नहीं पा रहा ताकि उसे वो मकान मिल सके। गांव में आपको फिर से बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसी के बीच प्रहलाद फौरन अपने बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपये लेकर आते हैं, जबकि आज की डेट में कोई 5 रुपये नहीं देता। प्रहलाद का विकास से ये कहना कि तू अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता मत कर, आपको ये बताता है कि इंसानियत और मासूमियत आज भी जिंदा है। ये वेब सीरीज़ आपको एहसास दिलाती है कि शहरों में ज़िंदगी भले ही काफ़ी भाग दौड़ चुकी हो, लेकिन जिस सुकून की तलाश में बड़े शहर वाले हमेशा रहते हैं वो गाँव में ही मिलता है। पंचायत सीजन 3 की जान इसकी राइटिंग और एक्टर्स भी हैं। इस बार भी हर एक्टर ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। सचिव के रोल में जितेंद्र कुमार फिर से लाजवाब दिखे हैं। वो फुलेरा गांव वापस आकर खुश भी होते हैं और यहाँ की दिक्कतों से परेशान भी होते हैं। वो रिंकी से इश्क भी करते हैं और उन्हें पढ़ाई भी करनी है। हर एक्सप्रेशन में वो लाजवाब दिखते हैं। प्रधान जी के कैरेक्टर में रघुवीर यादव की एक्टिंग बेमिसाल लगती है। वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग को आप रिव्यू भी नहीं कर सकते, हर बार कमाल का काम करते हैं वो। नीना गुप्ता का काम भी शानदार है। सोशल मीडिया पर अक्सर बड़े मॉडर्न अंदाज में नज़र आने वाली नीना गुप्ता यहाँ सिंपल सी साड़ी में सबका दिल जीत ले जाती हैं। प्रहलाद के कैरेक्टर में फैजल मलिक का काम भी बहुत अच्छा है। बेटे के जाने के बाद एक बाप पर क्या बीतती है ये फैजल आपको बहुत अच्छे से महसूस करा देते हैं। विकास के कैरेक्टर में चंदन रॉय ने फिर से कमाल कर दिया है। रिंकी कैरेक्टर में सानविका भी कमाल लगती हैं। उनका सिंपल और सहज अंदाज सबका दिल जीत ले जाता है। बनराकस यानी भूषण के कैरेक्टर में दुर्गेश कुमार भी बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। वो गजब तरीके से पासा पलटते हैं और हर बार उनके एक्सप्रेशन बहुत ही कमाल के होते हैं। विनोद के कैरेक्टर में अशोक पाठक एक बार फिर कमाल कर जाते हैं। अब तो वो कांस तक जा चुके हैं और यहाँ उन्हें देखकर ये बात भी समझ आती है कि ये एक्टर वहाँ तक कैसे पहुँचा। विधायक जी बने पंकज झा भी ज़बरदस्त हैं और इस गाँव में फसाद की पूरी जड़ हैं और इस कैरेक्टर को उन्होंने बहुत ही मजबूती से निभाया है। क्रांति देवी के कैरेक्टर में सुनीता राजवर ने भी अपना शानदार अभिनय निभाया है। चंदन कुमार ने इस सीरीज़ को लिखा है और दीपक कुमार मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। इस वेब सीरीज़ की बड़ी खासियत इसकी राइटिंग और डायरेक्शन है। ये कहीं से भी खींची हुई नहीं लगती, ना ही कहीं ओवर द टॉप लगती है। सिंपल सी चीज़ों को सिंपल से तरीके से लिखा गया और पेश किया गया है। कहीं पर भी आपको डायरेक्टर की पकड़ ढीली नज़र नहीं आती।
हर कैरेक्टर को अहमियत भी दी गई है और इसीलिए ये वेब सीरीज सबका दिल जीत जाती है। अगर आपने अभी तक पंचायत सीजन 3 नहीं देखा है तो हमारी रिकमेंडेशन पे इसे ज़रूर देखिएगा, इसे मिस मत कीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।